हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पी एंड यू आर वॉचिंग इट्सी बिट्सी मॉम। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, विंटर एंजॉय कर रहे हैं। तो कैसा विंटर है आप लोगों के वहाँ? इस बार पुणे में तो बहुत ज्यादा ठंड है। नॉर्मली पुणे में इतनी ठंड होती नहीं है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस लास्ट 4-5 ईयर्स का ही है, तो इतना ठंड होता नहीं है, बट इस साल बहुत ज्यादा वाली ठंड है। इसलिए सुबह की मॉर्निंग की गर्मा गर्म चाय, और ऐसे तो आप लोगों को पता ही है मुझे चाय कितनी जरूरत होती है। तो जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बोला था, अभी थोड़ी देर बाद योगा पीटीएम स्टार्ट होने वाला है, तो उसका मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस है। ऐसा कैसा हुआ, क्या हुआ, वो मैं कल आप लोगों को बताऊंगी। और उसके बाद, मतलब जो के पीटीएम के बाद हम जो आज करने वाले हैं, हम आप जो ये बेडरूम देख रहे हैं ना, इसका हम मेकओवर करने वाले हैं। मैं एक नॉर्मल बेडरूम को मैंने किस तरह ट्रांसफॉर्म किया और क्या क्या चीजों का यूज किया, यहाँ पे मैं ये बोलना चाहती हूँ। मैं इस बेडरूम को डेकोरेट करने के लिए जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सस्टेनेबल डेकोर होते हैं और जो इजिली अवेलेबल रहते हैं, जो हर किसी को, और सबसे इम्पोर्टेंट जो लो बजट भी होता है, वो सारी चीजों का यूज करूंगी। बट हाँ, एंड रिजल्ट बहुत ही ज्यादा आपको लग्जरियस लगेगा, बट आप वैसे ही सेम बेडरूम बहुत ही आसानी से किस तरह अपने घर में सेटअप कर सकते हैं, वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए देखते हैं मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स का यूज किया, कैसे किया, और लोकली अवेलेबल कौन से चीजों से आप घर सजा सकते हैं, कौन सा चीज आजकल ट्रेंड में है, वो सारी चीजें मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो देखते हैं कैसे मैंने इस बेडरूम का सेटअप किया, क्या क्या। पहले मैं अपना चाय फिनिश कर लेती हूँ, फिर काम पे लगूंगी। तब तक आप भी अपना चाय फिनिश कर लीजिए। सबसे पहले हम हमारे बास्केट को पेंट कर लेते हैं। ऐसे तो आप प्लेन बास्केट भी यूज कर सकते हैं, बट मुझे लगता है थोड़ा आप कलर्स दे दो तो, ऐसे भी आप देखना कोई भी जगह हो, प्लेन जगह हो अलग दिखता है, बट उसमें थोड़े से कलर्स आ जाए ना तो जगह ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट और लाइवली लगने लगता है। तो इसीलिए मैं इन बास्केट्स को हल्का पेंट करूँगी, उसका जो नेचुरल लुक है वो एज इट इज रहेगा, जस्ट थोड़ा सा कलर टचअप करूँगी ताकि वो बास्केट जब हम अपने वॉल पे हैंग करें तो थोड़ा सा वाइब्रेंट लुक दे, एक जो गैलरी वॉल का लुक आता है वैसा लुक दे। तो इसलिए मैं जस्ट थोड़ा सा पेंट कर रही हूँ। पेंट करने के लिए मैंने एक्रिलिक कलर्स का यूज़ किया है, आप अपने चॉइस ऑफ कलर कॉम्बिनेशन में इसे पेंट कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने बाकी सारे बास्केट्स को भी पेंट कर लिया है। ऐसे बोलना आपको कौन सा बास्केट ज़्यादा अच्छा लगा इनमें से, मुझे तो वो ग्रीन एंड रेड वाला बास्केट जो राउंड राउंड वाला है ना, वो सबसे अच्छा लगता है। हम हमारे बेड का अरेंजमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बेड पर एक अच्छा सा बेडशीट बिछाऊंगी। ये बेडशीट मेरा 100% प्योर कॉटन है, इसे मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, और मैंने यहाँ पे येलो एंड वाइट का कॉम्बिनेशन रखा है, बिकॉज येलो बहुत ही वाइब्रेंट होता है, सनशाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो थोड़ा ग्लैम लुक देता है, इसलिए मैंने ये बेडशीट यूज़ किया है। रूम में ना बेड अरेंज हो जाए तो आधा से ज़्यादा काम ऑटोमेटिक फिनिश हो जाता है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब बारी आती है हमारे कंफर्टर की, तो मैं एक अच्छा सा सॉफ्ट सा कंफर्टर अरेंज कर लूँगी, क्योंकि बेड थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो तो ही अच्छा लगता है। तो ये जो कंफर्टर है, ये मुझे कियाना होम्स बोल के एक ब्रांड है, उन्होंने मुझे भेजा था। ये रिवर्सिबल है, मतलब दोनों साइड आप यूज़ कर सकते हो। एक साइड मेरा ब्लैक है, दूसरा साइड आपका रानी पिंक टाइप का है। तो आज फ़िलहाल मैं रानी पिंक साइड को अपर पोर्शन में रखूँगी और ब्लैक को अंदर के साइड में, ताकि जब मैं फ़ोल्ड करूँ तो देखिए आपको दोनों टोन दिखेंगे जब आप इस तरह से फोल्ड करो। अब नेक्स्ट बेड पे पिलो अरेंज करना है। सिर्फ पिलो नहीं, पिलो के साथ मुझे बहुत सारे कुशंस अच्छे लगते हैं। मतलब मेरे लिए ऐसा है कि अगर 7-8 कुश, मतलब जितना ज़्यादा कुशंस हो उतना अच्छा लगता है, क्योंकि बेड उतना सॉफ्ट रहता है, उतना कंफर्टेबल लगता है। तो इसलिए मुझे कुशंस बहुत सारे मुझे बेड पे अच्छे लगते हैं। आपको जैसा अच्छा लगता है, आप चाहे तो 3, चाहे तो, मतलब
टोटली आप पे डिपेंड करता है आपको कितने कुशन्स अरेंज कर सकते हैं। बट यहाँ एक टिप है कि आपको अगर बेड बहुत लग्जरियस एंड बहुत कंफर्टेबल चाहिए तो आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट कुशन्स का यूज़ कीजिए। और ऐसे भी मुझे ना कुशन्स खरीदने का, कुशन कवर खरीदने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है मेरे पास। मतलब मैं क्या होता है ना, मैं अपने लिए ड्रेस खरीदने के लिए साइट ओपन करती हूँ बट मैं एंड करती हूँ कुशन कवर्स खरीदते हुए। तो इन एंड अराउंड 250 कुशन कवर्स का कलेक्शन है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि अब तक हमारा बेड कैसा दिख रहा है। हमने कंफर्टर अरेंज किया, कुशन्स अरेंज किए, सब बेड ऑलमोस्ट अरेंज हो गया। अब नेक्स्ट बारी आती है कि बेडरूम में सिर्फ बेड इम्पॉर्टेंट है बट उसके साथ में बहुत सारे एसेसरीज भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब मैं बेड के साइड में रखने वाले एसेसरीज वो सबको अरेंज कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने बास्केट्स को वॉल पे हैंग कर दिया है, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। नेक्स्ट बारी आती है ग्रीन्स को ऐड करने का, बिकॉज कोई भी रूम तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक उसमें ग्रीन प्लांट्स ना हो। अब नेक्स्ट मैंने बेड के साइड में एक छोटा सा लैडर रखा है बम्बू का और उस पर मैं थोड़े से और ग्रीन प्लांट्स ऐड करूँगी, एक लालटेन ऐड करूँगी, एक लैम्प और कुछ कोटेशंस वाले जो साइन बोर्ड होते हैं वो ऐड करूँगी। यहाँ आप कुछ भी अरेंज कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। दिस इज़ द फाइनल रिवील ऑफ माई बेडरूम। ने देखा हमने कितने आसानी से लोकली अवेलेबल चीज जैसे बास्केट हुआ, बम्बू हुआ, ग्रीन प्लांट्स हुए, इनका यूज़ करते हुए जो सस्टेनेबल डेकोर है अपने बेडरूम का मेकओवर किया। होपफुली आप सबको ये बजट फ्रेंडली मेकओवर अच्छा लगा होगा, जहाँ सारे मोस्टली सस्टेनेबल डेकोर्स है, इको फ्रेंडली डेकोर्स है। अगर आपको मेरे क्राफ्ट आइडियाज़ और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वो बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।